शाम से शुरू करेंगे। काली माता टी मोड़ काली माता मंदिर है, कल से नवरात्र शुरू हो रहे हैं। किस तरह की जो व्यवस्था है वो श्रद्धालुओं के लिए की गई है? देखिए, मेरा नाम अर्जुन शर्मा है। मैं जहाँ काली माता टी मोड़ मंदिर में सेवा के लिए आता हूँ, कल से माता रानी के पवित्र नाते शुरू हो रहे हैं और श्रद्धालुओं के लिए हमने मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है और उनके खाने का अरेंजमेंट, सुबह पहले हवन होगा, फिर फलाहार होगा, उनके लिए प्रॉपर व्यवस्था की गई है, सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। और हम श्रद्धालुओं से यही कहते हैं कि मंदिर में टीम और काली माता मंदिर में आए, माता का गुणगान करें और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। किस तरह के कार्यक्रम में 9 दिनों में रहेंगे? देखिए, सुबह माता रानी का हवन होगा रोज, और रामनवमी के दिन पूर्णोक्ति होगी, और रोज भक्तों के लिए फलाहार होगा, खीर होगी माता रानी की श्रद्धालुओं की तरफ से रखी होगी हमारी तरफ से, और रामनवमी के दिन भव्य भंडारा और यहाँ पे सत्संग का अरेंजमेंट। पलिंग माना जाता है कि जो माता रानी का यहाँ पर स्वरूप है उसका आकार बढ़ता रहता है, क्या ये सही है? जी, अब हमें भी लगता है और भक्तजन भी कहते हैं कि हर साल हर 6 महीने में माता रानी की जो पिंडी है 1 इंच या आधा इंच बढ़ती रहती है। और पहले आप खुद देखिए कि पिंडी रूप जो माता रानी का है छोटा था, अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। और आप खुद देखिए दुनिया भर से, मतलब हमारे स्टेट में हर जगह से जहाँ पे श्रद्धालु आते हैं और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।